ये पत्थर ट्रायल टुम्बा नोरो पे स्थित है, वो भी 800 मीटर ऊपर पहाड़ी पे। और हर साल यहाँ से नज़ारा देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। और 10 से 12 घंटे की चढ़ाई करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। और पता है दोस्तों, यहाँ पर सुरक्षा की कोई इंतज़ाम भी नहीं है, मतलब कि जान हथेली पे लेकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। एक्सीडेंट भी हो चुकी है, मौत भी हो चुकी है, पर फिर भी लोग बहुत क्रेजी है इस जगह को लेकर। अगर कभी मौका मिला तो मैं भी जाना चाहूँगा ज़रूर। क्या आप जाना चाहोगे? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। सो वेलकम यू ऑल इन माई चैनल क्यूरियस कौशिक। और आज हमारा 10th एपिसोड का शूटिंग है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिज बनाया इसलिए आता है ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सको, जैसे कि वैली, पहाड़ या फिर नदी, ये सब पार करने के लिए। मगर चाइना में, नॉर्थ चाइना में 1180 फीट ऊपर स्थित ये ब्रिज जो 266 मीटर लंबा है, आपको मौत के दर्शन कराने के लिए काफ़ी है। ये पूरा ब्रिज कांच का बना हुआ है और इसमें स्पेशल इफेक्ट डाला गया है ताकि जब भी आप इस पर पैर रखो तो ये टूटने का या फिर स्क्रैच जैसा इसका एनिमेशन यहाँ पर चालू हो जाता है, मतलब कि आपका दम निकलने के लिए और डरने के लिए काफ़ी है। ये क्लिप आप देख लो, आप खुद ही समझ जाओगे। चाइना में ही एक ऐसा और ब्रिज है जो 200 मीटर ऊपर है, और ये ब्रिज में आपको बीच में से जाना पड़ता है, मतलब कि गैपिंग में से गुजरना पड़ता है। अगर एक भी गलती हुई तो फिर आपका जान भी जा सकते हैं। कुछ दिन पहले एक आदमी के साथ ऐसा होते होते वो बच गया, उसका हार्नेस का मैलफंक्शनिंग हो गया था, फिर भी वो आखिरी स्टेप तक पहुंच गया था और उसे शायद पता भी नहीं चला कि वो कितना बड़ा कांड होते होते उसका टल गया। जी हाँ, बाद में तो ज़रूर पता चला होगा क्योंकि क्लिपिंग्स तो उसने भी देखी है। हमने तो बहुत सारे वाटर स्लाइड देखे हैं अपने लाइफ में, हम में से सब, और बहुत सारे वाटर स्लाइड के मज़े भी उठा चुके हैं। मगर बहामी में अटलांटिक पैराडाइज आइलैंड पे एक वाटर स्लाइड है जिसका नाम है लीप ऑफ फेट। ये वाटर स्लाइड, खास बात ये है इसका कि ये जहाँ से इसका गुहत है वहाँ पर 59 फीट लंबा एक टनल होता है, शीशे की टनल, जहाँ से ये जब गुजरता है उसके चारों तरफ सिर्फ शार्क घूम रहे होते हैं, भूखे शार्क, मतलब कि वो आपके चारों तरफ घूम रहे हैं और आप वहाँ से गुजर रहे हो। जस्ट इमेजिन करो इस बात को कि कितना डरावना होता होगा वो सीन उस पल के लिए। अब थाईलैंड में भी एक ऐसा पत्थर आविष्कार किया गया है जो बिल्कुल सांपों के सर जैसा दिखता है। कुछ लोगों का मानना है कि किसी स्नेक को शायद छापित होने के कारण वो पत्थर में तब्दील हो गया है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर नीचे जो एक केव आविष्कार किया गया है, एक गुहा, वहाँ पर आज से हजारों साल पहले जो आदिवासियाँ रहती थी वो अपना स्कल्पचर बनाते थे वहाँ पर और उसे पूजते भी थे, वैसे ही एक स्कल्पचर है ये स्नेक हेडेड स्टोन। अमेजिंग। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब में किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो नहीं लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे और मेरा उत्साह बढ़े इससे। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो फिर मेरा इंस्टाग्राम लिंक ये है। और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा बीते। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ 11th एपिसोड में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।